हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 6 दिसंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन से न्यूज पॉइंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जिन्होंने डीके सर्च अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, और वेरियस कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। सारा लास्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले थोड़ा करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पाइका विद्रोह की। पाइका विद्रोह वैसे तो हिस्ट्री का पार्ट है, बट अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये कहा जाता था कि पाइका विद्रोह को हम पहली क्रांति मानेंगे। तो हमारी संस्कृति मंत्रालय ने कह दिया कि क्या है कि जो उड़ीसा में पाइका विद्रोह हुआ था 1817 में, वो स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यू कह उन्होंने कहा कि बस ये अंग्रेजों के खिलाफ एक जन विद्रोह की शुरुआत थी बेसिकली। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि कक्षा 8 की जो NCERT है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। बेसिकली ये चीजें कही गई हैं। ठीक है, कक्षा 8 के NCERT में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये चीज कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाइका विद्रोह था कौन, था क्या, और पाइका थे कौन, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है ना। देखो पाइका क्या होते थे बेसिकली, सपोज करो आप किसान हो। मैं बड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते आप किसान हो, ठीक है, आप काम करते हो, आप किसान हो। ठीक है, इन किसानों को आर्मी की ट्रेनिंग भी एक तरह से कह लो दिया जाती है। आप खेती भी करिए लेकिन आप ट्रेनिंग किसकी लेके रखी है, आर्मी की। मतलब अगर आपको राजा राजा क्या करते थे, उनको ट्रेनिंग दे देते, अगर आपको युद्ध होगा तो आपको कल को युद्ध में भी जाना पड़ सकता है। तो इनको क्या कहते हैं, किसान प्लस ट्रेनिंग किए हुए ये लोग पर्सन है। जैसे अमेरिका में जब आप रहोगे, अगर अमेरिका में पैदा होते हो तो अमेरिका की ट्रेनिंग 3 साल की कंपलसरी हो जाती है। तो वहां पे आप क्या करोगे, जो अपना जॉब कर रहे हो ना, आप अपना जॉब तो करिए ही करिए, प्लस आर्मी की ट्रेनिंग लेके रखिए। ट्रेनिंग आपका हुआ रहेगा, ठीक है, ट्रेनिंग आपका हुआ रहेगा दोस्तों। उसमें क्या रहेगा कि आपको, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो दोस्तों जो बेसिकली इनको ट्रेनिंग दी जाती है वो बाद में, इसलिए कभी युद्ध हुआ तो हम उसका उपयोग कर सके। उस पर्सन को हम युद्ध में बुला के, अगर हमारे सैनिक कम पड़ते हैं तो वहाँ पे हम युद्ध लड़ सके। ऐसे ये जो किसान थे, ठीक है, जिनको क्या किया जाता था, सैनिक सेवाएं दी जाती थी, ठीक है, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, इनको हम लोग क्या कहते थे, पाइका कहते थे। ठीक है, इनको हम क्या कहते थे, पाइका कहते थे। ठीक है, आप अच्छा ये लोग ट्रेनिंग क्यों लेते थे, इनका लगान मुक्त कर दिया जाएगा। आप सैनिक से सैन्य सेवाएं दीजिए, सैन्य सेवाएं प्रदान करिए, आपके लगान आपको क्या करे जाएंगे, आपको दोस्तों मुक्त कर दिया जाएंगे। जैसे आपको लगान बहुत ज्यादा हो गया, आपके परिवार का लगान ज्यादा हो गया, आप आर्मी में भर्ती हो जाइए, इनके मतलब सैनिक में सैनिक भर्ती हो जाइए, इनके लिए काम करिए, आपकी सारी चीजें माफ कर दी जाएंगी। तीन लोगों को हम क्या कहते थे, बेसिकली पाइका कहते थे। इन्होंने 1817 में पहला विद्रोह किया था, ठीक है, और इसको बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों ने दबा भी दिया था, तो इसको कहा जा रहा था कि पहला विद्रोह है। तो अभी हमारे संस्कृति मंत्रालय के मंत्री ने ये कह दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना कि पाइका कौन थे, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड करते हैं स्मार्ट सिटी के बारे में। ठीक है, अब स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसको स्मार्ट सिटी की जो शुरुआत थी ना, वो 2015 में था। कब स्टार्ट किया गया था, 2015 में। ठीक है, स्मार्ट सिटी परियोजना दोस्तों 2015 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अब स्मार्ट सिटी परियोजना में क्या किया गया था, ये 4 पिलर्स इन्होंने दिए थे। कौन कौन से पिलर्स थे देख लीजिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 पिलर्स को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट की बात कही गई थी, और उसमें 100 शहरों को क्या किया गया था, चिन्हित किया गया था। इन 100 शहरों को हम क्या करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ठीक है, स्मार्ट सिटी की बातें कही गई। अब हुआ क्या था, टारगेट क्या दिया गया था, 2015 में इस मिशन चालू हुआ था, कहा गया था 2020 में हम लोग क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है, 2020 में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि मतलब गवर्नमेंट को यह था कि अगर 2020 का हम टारगेट दे रहे तो हो सकता है 2021 तक क्या करेंगे, हम लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन आपको पता है कोविड 2020 2021 भी वैसे ही चला गया, तो 2020-21 तो पूरा कोविड के चक्कर में चला गया। तो गवर्नमेंट अभी टारगेट क्या दिया है, गवर्नमेंट ने कहा कि आप क्या कर लीजिए, 2023 तक का आपको टारगेट देते हैं, 2023 में आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने बेसिकली दोस्तों कहा है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली याद रखिएगा थोड़ा सा कि ये मिशन कब चालू किया गया था, कब चला था, 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2023 का टारगेट दिया गया 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और बेसिकली पिलर क्या थे, ये आपके मेंस में या प्री में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो आपके एग्जाम पॉइंट क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा रिलेवेंट भी है दोस्तों और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे दोस्तों हाइपरसोनिक हथियार। अभी क्या है कि हाल में अमेरिका ने कहा कि जो चीन द्वारा हाइपरसोनिक के अनुसार का अनुसरण किया जा रहा है, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, अच्छा चीन को भी ये, अच्छा चीन क्या हरकतें कर रहा है बेसिकली, आप समझो चीन अभी क्या करता है, अपने मिसाइल्स वगैरह को ना अंतरिक्ष में भेज रहा है, उससे होगा क्या। देखो अभी हमारी पृथ्वी है, आप सोच के देखिए, हमारी पृथ्वी है, आप मान लेते चाइना यहाँ है, आप यहाँ से आप मिसाइल किसी देश को मार सकते हो, समझ में आता है।
अब ये क्या कर रहे हैं, अपने मिसाइल्स को क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी के सर्कल से बाहर भेज के अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, यहाँ पे डिप्लॉय कर दें, ये कल को युद्ध हो अपने सारे यहाँ पे क्या कर दें, डिप्लॉय करके छोड़ दें क्या, मतलब मिसाइल्स वगैरह। और जब युद्ध होना चालू हुआ तो यहाँ से डायरेक्टली क्या करें लोग, यहाँ से डायरेक्टली लॉन्च कर दें या दाग दें यहाँ पर किसी देश को टारगेट करके। नीचे से तो युद्ध लड़ते रहेंगे, ऊपर से भी आसमानों से बारिश होगी, किन की मिसाइल्स की, ठीक है, तोपों की, ऐसी बारिशें होने चालू हो जाए, सोचो कि वो देश बर्बाद हो जाएगा कि बचेगा। तो चाइना इस टेक्निक पे ऐसे सोच रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अभी बात की जा रही है हाइपरसोनिक, तो आपको ये जानना की जरूरत है कि हाइपरसोनिक होता क्या है, ठीक है। इन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक हथियारों को आप विपन सब बनाए जा रहे हैं, जो कि सबसे खतरनाक है। तो हाइपरसोनिक होता क्या है, हाइपरसोनिक बेसिकली बात करते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, 5 मैक से ज़्यादा होती है, 5 से 10 मैक के आसपास होती है। अच्छा, 1 मैक क्या होता है, अगर मैं 1 मैक की बात करूँ तो ये मान के रखो कि 1235 किलोमीटर ये जाता है 1 घंटे में, ठीक है, 1235 किलोमीटर। ये एक्चुअली 1235 किलोमीटर क्या है, ये साउंड की स्पीड है, आपने सुना होगा कहीं पर, पढ़ा होगा, 300 कितना, 83 आई थिंक ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। इतनी लाइट की क्या होती है, स्पीड होती है, इतनी तेजी से लाइट ट्रेवल करता है, सॉरी सॉरी लाइट नहीं साउंड, सॉरी माय मिस्टेक, लाइट नहीं साउंड की स्पीड की बात कर रहे हैं। साउंड की स्पीड कितनी होती है, 1235 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो ये चीज़ कह जाते हैं कि इससे कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना, 5 मैक है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 12 × 5 = 60, लगभग 6,100 से 200 के आसपास आएगा, बट मैं रफली ले रहा हूँ 6,000। ये 1 घंटे में 6,000 किलोमीटर दोस्तों कहाँ कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, ये 5 से 10 मैक है, तो अगर आप 10 से गुणा कर दोगे तो लगभग 1200 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर का समझते हो, मतलब 1 घंटे में यहाँ से आप कहाँ चले जाओगे, आप इंडिया से चले जाओगे अमेरिका, अमेरिका से आ जाओगे, ऐसी ऐसी इतनी इतनी तेज़ी इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो 12,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है इतनी स्पीड, और अच्छा इससे भी ज़्यादा जब टेक्नोलॉजी डेवलप होंगे तो आगे डेवलप भी होती जाएंगी। तो आपको ये याद रखना कि मैक निकालते कैसे, एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मैक नंबर क्या होता है, मान लेते हैं मेरी ऑब्जेक्टिव स्पीड कितनी है, 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है मेरा जो भी डिवाइस मैंने बनाया है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड क्या है, 1235 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब हम मैक में निकालेंगे कितने मैक आएगा, तो 1 मैक आ जाएगा, क्योंकि पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टोटल कितना आएगा, 1 मैक। तो 1 मैक का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, 1235 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर मैं 2 मैक कहूँगा तो जस्ट डबल कर दीजिए, 2470, ठीक है। 3 मैक करूँगा तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, इसकी मैक की स्पीड हम निकालते हैं, जो हमारे हवाई जहाज़ होते हैं दोस्तों लगभग 1 मैक से थोड़ा सा कम में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि हवाई जहाज की स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है, 800 या 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतनी चलते हैं ना, 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं जहाज, ठीक है। तो इसलिए आप देखा होगा कई बार, आपने अगर फ्लाइट में आपने ट्रेवल किया होगा तो वो बताते हैं कितने एल्टीट्यूड पे हम, हमारी गति इतनी है, राइट, इतने वो दिखाते रहते हैं, हम इतने घंटे में ट्रेवल कर लेंगे, इतनी दूरी है, इतने घंटे हमें लगेगा। कई बार देखेंगे अगर मैं वाराणसी से दिल्ली जाऊँ या दिल्ली से वाराणसी जाऊँ, ठीक है, तो लगभग वहाँ की दूरी दोस्तों 800 कुछ किलोमीटर है। तो वो कहते हैं कि हम ये पूरी दूरी क्या करेंगे, 1 घंटे में ट्रेवल कर लेंगे। जब वो कह रहे हैं कि हम इतनी दूरी 1 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो 800 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेंगे, तभी तो 800 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली इसको ऐसे हम कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें दोस्तों याद रखिएगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पार्कर सोलर प्रोब क्या है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा समझा होगा तो आपको याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास का क्वेश्चन हम सबसे स्टार्टिंग में पूछा करेंगे क्या चीज़ है, इसका आंसर आपको लास्ट में देंगे, और कोशिश करेंगे कि हम अब डेली एक क्वेश्चन ऐड किया करें, ठीक है, जिससे कि क्या हो आपको थोड़ा क्वेश्चन का भी पैटर्न का याद, मतलब पता चलना चालू हो जाएगा, अच्छा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, कैसे फॉलो करना होता है, ठीक है। पार्कर सोलर प्रूफ की बात करें तो मैंने बताया था कि सूर्य का चक्कर लगा रहा है, सूर्य के बारे में डाटा इकट्ठा कर रहा है, मतलब बेसिकली यह कि हम कई बार कहते हैं ना कि इसका पीछा करो, ठीक है, और उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे दो। तो जिसका आप जो पीछा कर रहा है वो कौन है, पार्कर सोलर प्रोब हो गया, और जिसका पीछा कर रहे हो आप कौन है, वो सूर्य है। तो उस सूर्य के बारे में जितना आप पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज मिलता जाएगा, समझते जाओगे, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। जिनको वीडियो कोर्स लेना दोस्तों, एनसीईआरटी का वीडियो कोर्स है हमारा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अलावा वेरियस कोर्सेज आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जिन बच्चों का अभी क्लासेज नहीं चले थे फिजिक्स की, आज से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं वेल एंड गुड हूँ, ठीक है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सीरियस कंडीशन था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी, बट आज से रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगे और रेगुलर चलेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।